झांसी विश्व हिंदू महासंघ द्वारा ग्वालियर रोड स्थित सिद्धेश्वर पीठ मंदिर के प्रांगण में महासंघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। विश्व हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष कर्मवीर पंडित दिलीप पांडे ने मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी पवन जैन शिवाजी को पगड़ी पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। महासंघ के उपाध्यक्ष संतराम पेंटर के विशिष्ट अतिथि में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया, जिसमें सभी ने मिलकर हिंदुत्व के लिए काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के धर्माचार्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आचार्य हरिओम पाठक ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करना है और राम मंदिर निर्माण में अड़चन डालने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अंत में महामंत्री ऋषभ झा, अध्यक्ष पंडित दिलीप पांडे, उपाध्यक्ष संतराम रोहित चतुर्वेदी ने धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज मैं आचार्य हरिओम पाठक विश्व हिंदू महासंघ का धर्माचार्य प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी पवन जैन शिवाजी ललितपुर से पधारे हैं। आज विश्व हिंदू महासंघ झांसी महानगर की हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह की एक सभा थी, जिसमें हमने सभी अपने पदाधिकारियों सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, उनको प्रमाण पत्र भेंट किए और सबने संकल्प लिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करेंगे, राम जन्मभूमि के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए संघर्ष करेंगे और महाराज योगी आदित्यनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में विश्व हिंदू महासंघ के लिए काम करेंगे। इस संकल्पना के साथ आज मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने, हमारे महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, आदरणीय संतराम पेंटर साहब हैं, दिलीप पांडे हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, संतराम जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, ऋषभ झा जी हमारे नगर के महामंत्री हैं, तो इन सब ने मिलकर के आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ हिंदू राष्ट्र के स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत में अमन चैन लाने के लिए, धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ता की स्थापना के लिए हमने संकल्प लिया है और जय हिंद जय भारत, इसी प्रकार से आज का ये कार्यक्रम।